नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। साबरकांठा जिले के विजयनगर तहसील के बालोटा गांव के स्थानीय लोगों ने गांव के विकास व समस्या का तुरंत हल करने हेतु खुद की ग्राम सभा का नवनिर्माण किया है, जिसका उद्देश्य है कि गांव के विकास व समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो सके। साबरकांठा जिले की हमारी टीम के ब्यूरो चीफ हर्षद बुधरा, राहुल शाह और संवाददाता भरत मोडिया से प्राप्त खबर के अनुसार विजयनगर तहसील के बालेटा गांव में स्थानीय लोगों ने गांव के विकास और गांव की समस्याओं को तुरंत हल करने हेतु खुद की ग्राम सभा का नव निर्माण किया, जिसका उद्देश्य गांव के सभी प्रश्न और समस्याओं का गाँव के ही नियुक्त मुखी और सदस्यों की निगरानी में समस्या सुन के उसका योग्य निकाल किया जाएगा, जिससे गाँव के गरीब लोगों का समय और खर्चा बचे। इस सभा में कई कारोबारी सभाएं भी है जो सदस्य से संचालित होगी। इसमें हर समस्या जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों की समस्याएं, व्यसन की समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। और अगर कोई समस्या विकट हो, गांव की सभा से हल ना हो, तो मुखिया की अनुमति से सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाई जाएगी, जिससे सरकार का कार्यभार भी कम होगा और गांव का विकास भी अच्छे से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, मैं हूं हर्षित कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। आज हमारे दो सहयोगियों के साथ हम बालेटा गांव आ पहुंचे। यहां शायद आपको दिखाई दी होगी तस्वीर के अंदर, वो बहुत सारी पब्लिक इकट्ठे हुई है। हम हमारा सहयोगी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूरी अपडेट लेंगे किस तरह से यहाँ, चलिए हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जरा चलिए आगे। आगे हमको हमारा जो सहयोगी है यहाँ मौजूद भी है, सहयोगी से हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारा सहयोगी से भरत जी, यहाँ से आप कब से आए हैं आप? सर, मैं 11 बजे से यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ पब्लिक है, इकट्ठी हुई है, क्या है? आपने बताया गया था कि यहाँ मुखिया का एक प्रोग्राम रखा गया है, किस तरह से पूरा मामला क्या है, क्या अपडेट देना चाहते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल 11 बजे से मैं यहाँ पे स्थित हूँ। और यहाँ की प्राप्त माहिती के अनुसार ये था सर कि जो आदिवासी समुदाय है, ये सिर्फ अपनी रूढ़ी प्रथाओं से चलने वाला एक परिवार माना जाता है, एक समाज माना जाता है, जिन्होंने आज एक अच्छा निर्णय किया है खुद ही मिलकर कि गांव का एक अपना ही ग्राम सभा उन्होंने निर्माण किया है, जिसके अंदर हर एक वो सेवाएं गांव के प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो चुने गए व्यक्ति है, वो खुद ही उस पर कार्य करेंगे और उसका जो भी गांव का समस्या है या कुछ भी कोई ऐसे कोई अवगढ़ आती है तो उसको यही सोल्व करेंगे। ये बात हुई। हाँ जी, जो भरत जी ने बताया है अभी पूरी अपडेट बता दी है, अब आगे भरत जी जानने की कोशिश करेंगे, आगे की अपडेट बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। तो बहुत खुशी होगी। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सर खसात गीताजी गुरजी। सबसे पहले मैं HBN न्यूज मिलती से आपको मुखिया बनाया बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। आप आगे बढ़े और अभी बात करें कि मुखिया बनने के बाद आप इस गांव को किस तरह से आगे ले जाएंगे? जी सर, हमारा एक 21 आदमी का टीम है और सब समितियां हैं और हम हर दो महीने हम लोग मीटिंग रखेंगे और जितने भी काम हुए हैं उसका भी हम लोग उल्लेख करेंगे और जो नए काम कर रहे हैं वो भी हम लोग उसमें हमारे एजेंडा में लेंगे और हम पूरा गांव का हम लोग उस काम में काम करेंगे सर। मुखी से मिलने के बाद हम एक यहाँ जो सदस्य उपस्थित है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? संग्राम जी रामजी गामेती। ओके, तो आज जो मीटिंग हुई सर उसमें आपका होद्दा क्या मिला आपको? हमको बेल टाइगर फोर्स का होद्दा मिला है। ओके, तो आपका कार्य क्या रहेगा सर? हमारा बेल टाइगर फोर्स का गांव का जो कोई खराब काम होता है उसका देख रेख रखना है और उसको सूचित करना है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। ओके, हमने अभी देखा सर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका काम है कि गांव के अंदर उनकी योग्य व्यवस्थाएं बनाए रखना है। हमने इस रूढ़िगत प्रणाली के बारे में जाना और आदिवासी समुदाय की जो भी ये रूढ़िगत ग्राम सभा बनी है उसके बारे में भी जाना। हमारी टीम यहाँ पहुंची, उसने सब कुछ जांच किया जाना और प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी सभी गांव को डिजिटल बनाने की कोशिश में जुड़े हैं, तब जा करके ये एक अच्छी न्यूज ही है कि पूरे गांव वासी एकजुट होकर के उनकी कोई भी समस्या का हो सकता है इतना अपने ही गांव में उनका निकाल करेंगे, ताकि इससे ये एक फायदा होगा कि सरकार को ज्यादा दौड़ने की समस्या ना रहेगी और ये पूर्णतः तरीके से सरकार को एक सहयोग का कार्य किया गया है। यहाँ पे हम पहुंचे हैं, हमारी टीम हर्षद बुधरा, राहुल शाह के साथ, संवाददाता भरत मोड़िया, HBN न्यूज, साबरकांठा, गुजरात। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।